रेड्डी रंडापा निकाल लेती है, लेकिन गांव के जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, वो उसको नहीं करने देते। आपने जिस तरह का सवाल फ्रेम किया है ना, उस पर हसन निसार साहब ने जो जवाब दिया है, उसको सुन के मुझे ये मुहावरा याद आया। और मैं ये मुहावरा बोलना नहीं चाहता था क्योंकि इतना ये तहजीब याफ्ता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पंजाबी का बहुत मशहूर मुहावरा है। तो आप लगी रहे इस तरह सवाल के जवाब आएंगे जो नहीं, मुझे मुझे मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह के अल्फाज नेशनल टीवी पे इस्तेमाल करूं। अगर आपको सवाल पसंद आए तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना या नो कमेंट से, सवाल मेरी मंशा के मकाशा के मुताबिक नहीं, मतलब आप मेरे से मेरे सवाल का इख्तियार नहीं लेना चाहते। मैं सवाल आप लोग जैसा चाहें जैसा फ्रेम करूं, क्योंकि वो सवाल आप लोगों को पसंद आएगा। जिस जाविये पे आप चाहें गुफ्तगू करें मैं वो रखूं सर, ये तो बड़ी माजरत के साथ आप मुझसे मेरा इख्तियार भी ले रहे हैं मेरे सवाल को क्रिटिसाइज करते हुए। चलिए अब अगर आप इजाजत दें तो मैं जी सर इजाजत दें तो आप कहिए। ठीक है, तो एक बात ये कि आपका इख्तियार किसी ने नहीं छीना सवाल पूछने का, लेकिन जो मीडिया है ना, इसका ताल्लुक बदकिस्मती से जर्नलिज्म के साथ है, और जर्नलिज्म में एक चीज होती है हकायक। जब आप सवाल पूछते हैं, जब खासतौर पर जो मेजबान सवाल पूछता है, वो हकायक पर मबनी होना चाहिए। अगर शरारत करने के लिए एक खामखा की आर्गुमेंट शुरू करवाने के लिए करना हो तो फिर मैं तो उस पर बोलूंगा, मेरा भी हक है। मैं आपने एक सवाल पूछा है, पब्लिक प्रॉपर्टी है आपका सवाल, मैं भी उस पब्लिक में शामिल हूँ, मैं उसको जो मर्जी मतलब निकालू, उस पर आप फिर तड़पा ना करें और उस पर ऑब्जेक्शन ना किया करें, क्योंकि मेरा हक है। मैं ये समझता हूँ कि आपका सवाल जो है ना, जो जिस जिन चीजों पर आपने बुनियाद बनाई है इस सवाल की, वो आपने हकायक को मद्देनजर नहीं रखा। मैं हकायक आपको बता देता हूँ, आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, मैं मतलब मैं ये आपको राय दे रहा हूँ, मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, आपको ये पूछना चाहिए था कि इमरान खान जो अपने हर सियासी मुखालिफ को गालियां देता है हर वक्त 24 घंटे, उन पर गलीज तरीन इल्जाम लगा रहा है पिछले 20 साल से, और हर वक्त सिर्फ आर्मी चीफ को मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है, क्या वो नवाज शरीफ के मुफाहमत के बड़े हुए हाथ के जवाब में कोई मुस्बत इशारा देगा कि नहीं देगा? क्या मैंने जो बात की है, मैं हकायक में मबनी ये बात की, मैं आपको भी हकायक बता देता हूँ क्या हुआ। इमरान खान 2012-13 में स्टेज से गिरे अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन बंद कर दी। इलेक्शन जीतने के बाद वो हॉस्पिटल गए उनकी आदत करने शौकत खानम, वहाँ उनके खिलाफ गंदे तरीन नारे लगाए गए, इसके बावजूद भी वो अंदर गए, वहाँ बैठ के उनकी मिजाज कुर्सी की और उन्हें कहा कि हम इकट्ठे मुल्क को आगे लेके चलते हैं। उसके बाद फिर बनी गाला गए चल के उसके घर, वजी अजम बने के बाद वहाँ खान साहब से कौमी तावन मांगा, खान साहब ने जवाब में सड़क मांगी अपने घर तक के लिए। उसका जवाब उस कौमी तावन का ये हुआ कि 2014 का धरना किया खान साहब ने, घर के अंदर घुसने की कोशिश की वजी अजम के, पार्लियामेंट पर हमला किया, पीडीपी पर कब्जा किया, को इतने केस हुए मफरूर हुए, उन्हें एक बार भी नवाज शरीफ ने गिरफ्तार नहीं किया। और मुफाहमत क्या होती है, चार साल वो रहे हैं, हर किस्म की गाली दी, हर किस्म का इल्जाम लगाया, नवाज शरीफ ने गिरफ्तार नहीं किया। कौन सा क्रिकेट की तरह रंग बदला था नवाज शरीफ ने उस वक्त, बताए। तैयब अर्दोगान आया पार्लियामेंट में खिताब के लिए, इमरान खान से रिक्वेस्ट की नवाज शरीफ ने जाती तौर पर कि आप आज इख्तलाफ रखें, बायकॉट कर दिया उसका। उसके बाद प्रेसिडेंट जी का विजिट, धरना दे के बैठे हुए थे और रिक्वेस्ट करते रहे नवाज शरीफ कि यार आप थोड़े दिनों के लिए सिर्फ उठते फिर वापस आ जाइएगा, सिर्फ दौरा मुकम्मल होने दे, उन्होंने नहीं मारी। एपीएस का वाकया हुआ पिशावर में, बच्चों को मार दिया गया, भूल जाते ना हम सब कुछ, नहीं धरना खत्म किया जा रहा था, फिर मिनते करके उनको मनाया, धरना खत्म किया और वहां पे उनको उस मीटिंग में और पार्टी कॉन्फ्रेंस में मिनते करके बुलाया गया। फिर उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और फिर वो खोसा साहब और साकिब निसार साहब आ गए। ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं मुफाहमत की नवाज शरीफ की तरफ से। कल नवाज शरीफ ने दोबारा मुफाहमत का किया, फिर आप सवाल नवाज शरीफ से पूछ रही हैं, क्या मेरी बात गलत है या सही है? सर सर मैंने 1923 जो उन्होंने वतन से बाहर गुजारा है, 4 साल बाद वापस आए हैं, मैं उनका कंपैरिजन नहीं कर रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि एक लीडर जो 2 दिन पहले 48 घंटे पहले खड़ा होकर तकरीर कर रहा है 1 घंटे की, 4 साल बाद वतन वापस आकर, तो जो वो कह रहे हैं वो मुकम्मल बात है। मैं आपकी तरफ शहजाद साहब आऊंगी, मुकम्मल बात कर रहे हैं, आधी बात कह रहे हैं, अपने ऊपर कुछ नहीं बता रहे हैं।
बैठ के सर मैं बात आगे लेके जा रही हूँ ना, थोड़ी सी बात तो सर बात तो आगे लेके जाऊंगी ना, आपने बात उठाई है मैं उसी गुस्तगू 5 सेकंड अच्छा आप कह देंगे क्या 5 सेकंड चाहिए मुझे कही है कही आप ये बात आप ये सवाल इमरान खान से पूछे कि क्या वो आर्मी चीफ के अलावा किसी और सियासी जमात से मिलना चाहता है, क्या वो मुफाहमत चाहते हैं इस मुल्क में कि नहीं चाहते, ये खान साहब से पूछे।